हुगली के चंडी तला में सीएम योगी की मेगा रैली, बोले 2 मई के बाद दीदी राम नाम लेंगी। सीएम योगी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा माटी की बात करने वाली दीदी ने सरस्वती पूजा पर रोक लगाई। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। माँ सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। बंगाल में हुए 3 चरणों के चुनाव में सीएम योगी ने बहुमत का किया दावा, कहा 2 मई के बाद बंगाल में कानून का राज होगा। मात्र 24 दिन बचे हैं, 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई। बंगाल के हुगली में सीएम योगी का ममता पर जोरदार प्रहार, कहा ममता सरकार ने बीते 10 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। हुगली की रैली में बोले सीएम योगी, टीएमसी ने बंगाल को विकास से वंचित किया, महिला नौजवान से दीदी को सहानुभूति नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर गौवध को संरक्षण देने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद बंगाल का गुंडा राज खत्म होगा। मुख्तार अंसारी पर बोले योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पर माफिया को शरण देने का लगाया आरोप। हुगली के चंडी तला में भी सीएम योगी की जनसभा, जमकर लगे जय श्री राम के नारे। कोलकाता के टॉलीगंज में मिथुन चक्रवर्ती का मेगा रोड शो, बाबुल सुप्रियो ने के लिए मांगा वोट। मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। बंगाल के अलीपुर द्वार में जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। जेपी नड्डा के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, शक्ति प्रदर्शन में लोग काफी उत्साहित नजर आए। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, आग बुझाने के लिए जुटी फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां, भारी नुकसान की आशंका। एमपी के देवास में इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। आगरा में घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उज्जैन में चोरों का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चोरी की एक बाइक का जब पेट्रोल खत्म हुआ तो दूसरी बाइक चुरा कर बेखौफ चल पड़ा चोर। बिहार में शराबबंदी की उड़ रही है धज्जियां, सीवान में नशे में धुत शख्स ने अस्पताल में किया हंगामा। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, हथियारों के दम पर कारोबारी से लाखों की लूट को दिया अंजाम। यूपी के सीतापुर में पंचायत चुनाव को लेकर छापेमारी, शराब पार्टी की सूचना मिलने पर एसडीएम ने मारा छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बदला मौसम का मिजाज, कुंजम दर्रे सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी। देश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम मोदी सख्त, आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर मांगा जवाब। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सख्ती, मास्क न पहनने पर 7 अप्रैल को 672 लोगों पर लगाया जुर्माना। महाराष्ट्र के कोरोना संकट पर शरद पवार का बयान, कठोर नियम के बिना कोरोना को रोकना बेहद मुश्किल। शरद पवार ने कहा कोरोना से जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को साथ आना होगा, महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में केंद्र सरकार। पुणे में लॉकडाउन का विरोध, व्यापारी संघ ने लॉकडाउन के विरोध में किया प्रदर्शन। नागपुर में भी लॉकडाउन का विरोध, व्यापारियों ने थाली बजाकर लॉकडाउन का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, कहा वैक्सीन से कोरोना वायरस को हराएंगे। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी थी, लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को लगाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, उनके साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा मौजूद रही। गौतम बुद्ध नगर में आज रात से नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते लिया फैसला। 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लग सकेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। देश में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा केस, अब तक 9 करोड़ कोविड टीके लगे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,490 नए मामले आए सामने, सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 59,907 मामले आए सामने, 322 लोगों की हुई मौत। आईआईटी रुड़की के 88 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव, सभी का आईआईटी कैंपस में इलाज जारी, 2 गेस्ट हाउस बने क्वारंटीन सेंटर, 5 हॉस्टल सील।
छत्तीसगढ़ से राजस्थान और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट, सफर करने से 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। पटना के सरकारी स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, फिलहाल स्कूल है बंद। एमपी के सभी शहरों में लागू होगा वीकेंड लॉकडाउन, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक रहेगी आवाजाही पर रोक, रात से लागू होगा, दरअसल आज रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच 10 दिन के लिए लॉक होगा रायपुर, 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी का निर्देश, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना। बिहार के मुजफ्फरपुर में पोस्ट ऑफिस का आधा दर्जन स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, इलाके में मचा हड़कंप। उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को सौगात, कुंभ आने वाली महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा। महाराष्ट्र वसूली कांड में पवार की बढ़ सकती है मुश्किलें, सचिन वाजे ने अपने बयान में पवार का लिया नाम, कहा पवार को मनाने के लिए देशमुख ने मांगे थे पैसे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सचिन वाजे की जेजे अस्पताल में जांच कराई गई, कल अदालत में लिखी चिट्ठी में किए थे कई विस्फोटक खुलासे। लालू यादव ने बेल के लिए फिर से खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा, दुमका कोषागार मामले में दायर की जमानत याचिका अर्जी। नारायणपुर में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम, 5 किलो के 2 टिफिन बम और डीआरजी की टीम ने बरामद किए, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना थी मंशा। गौतम बुद्ध नगर में जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत, दहेज उत्पीड़न का लग रहा है आरोप। मेरठ में महंत यति नरसिंहानंद की गर्दन काटने पर 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जालौन में शिकायत की खबर पर जांच करने निकली डायल 112 की गाड़ी, रास्ते में हुई खराब, गाड़ी को खींचते दिखाई दिए ग्रामीण और पुलिस वाले, वीडियो वायरल। यूपी में दलितों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, 14 अप्रैल को दलित दिवाली के तौर पर मनाएगी अंबेडकर की जयंती। बैतूल में कोरोना काल में जन्मदिन मनाना छात्रों को महंगा पड़ा, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों पर जुर्माना लगाया, कैफे 7 दिन के लिए सील किया गया। पाकिस्तान ने 1100 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया है वीजा, बैसाखी समारोह के मद्देनजर लिया गया फैसला। अजमेर के मसूदा में कलयुगी बेटे की करतूत आई सामने, घर में सो रहे परिवार पर किया हमला, माँ बाप को उतारा मौत की घाट, 3 गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के महाराजगंज में अपराधियों का तांडव, 3 भाइयों को मारा चाकू, 1 शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर, दहशत फैलाने के लिए हुई हवाई फायरिंग। नवादा में पेट्रोल पंप के मैनेजर का मर्डर, बदमाशों ने गला रेत कर हत्या की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। उदयपुर के लखावली की पहाड़ियों में फिर से लगी आग, ग्रामीणों में डर का माहौल, तेज हवा के चलते लगातार बढ़ रही है आग का दायरा। हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में पिछले कई दिनों से धधक रही आग पर फूटा स्थानीय जनता का गुस्सा, नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। वैशाली में आग लगने से हड़कंप, माँ और बेटी की जलकर मौत, आग लगने के कारण का खुलासा नहीं। सहारनपुर में हाई टेंशन तार के चपेट में आने से गन्ने से लदे ट्रैक्टर में लगी भीषण आग, मौके पर किसान ने कूद कर बचाई अपनी जान। बहराइच में ऑटो पार्ट्स और दवा गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम के ऊपर बने मकान में भी पहुंची आग, सामान जलकर हुआ राख। चंदौली में पुल से कर्मनाशा नदी में कूदे 3 लोग, मृतकों की शिनाख्त गौवंश तस्कर के तौर पर की गई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के मेल वार्ड में लगी आग, सुबह एसी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, आग पर पाया गया काबू, सभी मरीज सुरक्षित। बिजनौर के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, काम कर रहे 5 लोगों की मौत, ब्लास्ट से दीवार फटी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 100 वेंटिलेटर खराब, पीएम केयर से मिले थे 100 वेंटिलेटर, सिर्फ 108 वेंटिलेटर से हो रहा इलाज। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र में अनियंत्रित कार नहर में पलटी, कार सवार 1 की मौत, दूसरा जख्मी घायल अस्पताल में भर्ती। 46,000 पर पहुंचा सोना, कोरोना के कारण पिछले साल 56,000 पर पहुंच गया था गोल्ड। अंबानी परिवार पर 25 करोड़ की पेनल्टी, टेक ओवर के नियमों का पालन नहीं करने पर मुकेश, अनिल, नीता और टीना अंबानी पर भी जुर्माना। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर कारोबारी, साइरस पूनावाला और दिलीप संघवी पहली बार टॉप 10 में आए। रेपो रेट जस का तस रखे जाने से होम बायर्स को फायदा, मंसूबा बांधते रहने वाले कस्टमर्स के लिए खरीदारी का मौका। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को मिलेगी जोरदार टक्कर, वन प्लस भी लॉन्च कर रहा है पेमेंट ऐप।
देश में बढ़ने लगी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड, टाटा ने बेची 4000 नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आने वाले दिनों में आएगी तेजी। दिल्ली के नए कप्तान ऋषभ पंत ने भरी हुंकार, कहा माही भाई से जो पैंतरा सीखा है उनके खिलाफ ही करूंगा इस्तेमाल। भारत के यॉर्कर किंग नटराजन का खुलासा, धोनी की वजह से गेंदबाजी में मिली बड़ी सफलता। बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली का बयान, भारतीय खिलाड़ी मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और सहनशील। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने की पृथ्वी की तारीफ, कहा पृथ्वी शो में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता। शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो किया शेयर, वीडियो में दिखा शाहिद का फनी लुक, वीडियो में देख